Climate crises are one of the most pressing challenges facing humanity today. The term encompasses a range of interconnected issues, including global warming, extreme weather events, rising sea levels, loss of biodiversity, and disruptions to ecosystems. The consequences of these crises are far reaching, affecting everything from food and water security to human health and economic stability. To discuss and understand this pressing issue, Today, we have with us Dr. Nikhil Kant, who is the Deputy Director at All India Council for Technical Education, AICTE, under Ministry of Education, Government of India. With over two decades of experience as a government officer, he is known for his contributions in the fields of technical education, academic administration and management, and climate crisis. Dr. Kant is a climate enthusiast, although he has written more than 250 poems on various contemporary issues. About 50 poems written by him on climate crisis in his notable poetry collection in Hindi "Wish Nishane Par Hai have been spreading awareness on this very serious topic. So, sir, welcome to the studio. And today, we would, you know, like to have your insights on this, you know, huge issue of climate crisis. So, to begin with, please let us know: is it, is it for real or is it just a hype? Uh, this is really a very pertaining question, and that uh, always, you know, excites me when someone asks this question.

तो जहाँ तक एक्सपर्ट ओपिनियंस की बात है मैंने आपसे यह प्रश्न क्यों पूछा क्योंकि एवरी वन ऑन दिस अर्थ इज अ स्टेक होल्डर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग देयर ओन लाइफ्स देयर ओन्स ओन लाइफ्स सो वैसे सिचुएशन में सबसे पहले मैंने आपसे प्रश्न एक स्टेक होल्डर के रूप में पूछा आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबसे ये पूछिए और मुझे लगता है सारे यही बताएंगे कि क्लाइमेट इज नॉट ओनली चेंजिंग टू द एक्सटेंट दैट इट हैज ऑलरेडी चेंज्ड तो जब हम सब ये जान रहे हैं फिर हमको एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत अगर पड़ती है फिर भी तो हम शायद अपने आप को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं शायद वैसे लोग मुझे लगता है कि इस दुनिया में वैसे लोग भी हैं जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है एंड दैट्स वे दे आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट क्राइसिस यस एग्जैक्टली यू नो मेरा जो एक्चुअली सवाल उठ के निकलता है वो इसी तबके के अराउंड बिल्ट है कि वॉट एग्जैक्टली इज दैट यू नो सेक्शन ऑफ पीपल हु थिंक दैट इट इज़ नॉट रियली दैट बिग मैटर ऑफ कंसर्न और दूसरी चीज मतलब किन एरियाज़ को हमें एक्चुअली नोट करके चलना चाहिए कि हाँ वहाँ पे मुश्किल है और वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं जी तो सबसे पहले एक्सपर्ट ओपिनियन की जो आप बात कर रहे थे तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आती है वो आईपीसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये नाइनटीन में बना था और उसके पहले लगभग साइंटिफिक एविडेंसिस की इस तरह की कमी थी कि वैसे लोग जो कि नेर्स हैं या फिर क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स जिनको कहा जाता था फॉर्मली इनफॉर्मली हम उनको क्लाइमेट चेंज डिनायर कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज कॉन्टेरियंस कह सकते हैं क्योंकि डिनायर्स uh, वो होते हैं जो फैक्ट्स को जानते हैं लेकिन फिर भी डिनाई करना चाहते हैं क्योंकि फैक्ट जब भी आता है तो कुछ ना कुछ एविडेंस या साइंटिफिक एविडेंस के साथ आता है तो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो चीज़ें जो रिसर्च हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर उसका सिंथेसिस करके सामने लाने की प्रक्रिया या कोशिश जो थी वो आई ने करनी शुरू की और इसी उद्देश्य से आई बनाया गया आई पी में जो उन्होंने सिंथेसिस रिपोर्ट तैयार किया उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में 99% ऑफ द रिसर्च पेपर्स एंड द साइंटिस्ट हुर डूइंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च और ऑल यू नो स्टेक होल्डर्स आर एसोसिएटेड विद द रिसर्च और थिंग्स रिलेटेड टू क्लाइमेट क्राइसिस नाइनटी नाइन्टी ऑफ देम आर इन एग्रीमेंट दैट क्लाइमेट इज चेंजिंग नॉट ओनली क्लाइमेट इज चेंजिंग बट द ह्यूमन बींगस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज टू दैट मच एक्सटेंट दैट नाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड टू बी नोन एज क्लाइम क्राइसिस और क्लाइमेट इमरजेंसी तो जहाँ पर नाइन्टी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप शायद उन तबकों को आप मिलते नहीं वैसे तबकों से क्यों नहीं मिलते हैं क्योंकि वो वैसे ने हैं या वैसे डिनायर्स हैं जिनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इसीलिए वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं वो खुद भी जान रहे होते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस है क्लाइमेट इमरजेंसी है लेकिन उनको इसलिए मना करना है इसलिए मानने से इंकार करना है क्योंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वेस्टेड इंटरेस्ट क्यों हो सकते हैं वो इसलिए किया तो वो इंडस्ट्री से हैं या फिर वैसे डेवलप्ड कंट्री से हैं जो हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल रहे इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया अपने डेवलपमेंट के लिए कि क्लाइमेट क्राइसिस के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं अब वो आज भी चाहते हैं कि या तो डेवलपमेंट के जैसे स्टेज पे वो हैं दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अगर उसी लेवल पे पहुंचने की कोशिश करे करेगी तो निश्चित रूप से वो जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे और फिर वो उनके लेवल तक आने की कोशिश करेंगे ग्लोबल लेवल पर जितने भी स्टेक होल्डर थे या जितनी भी कंट्रीज है जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपने शायद सुना होगा अभी दिसंबर uh, में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सी ओ पी ट्वेंटी एट दुबई में हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ एक दुनिया के तमाम देश जो भी हैं 200 से ज़्यादा जिसमें यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज़ भी हैं जो एक इंटाइटी के रूप में माना जाता है बाकी सारे कंट्रीज अगर मिला ले तो 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं वो सब एक एनुअल इवेंट में साथ में जुटते हैं और वो एनुअल इवेंट होता है सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ पार्टीज मींस नेशन और सी जो होता है वो ऑर्गेनाइज़ कराती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज यू एन एफ सी सी अब उसमें जब सारे देश के लोग जुटते हैं तो निश्चित रूप से जो डेवलपिंग या लिस्ट डेवलप कंट्रीज है या स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है जिनके ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट है एक तो लाइवलीहुड को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट के स्टेज को पकड़ना दूसरे उनके पास जो फोसिस फुल्स के जो अपने ऑप्शन उनके पास ईजिली अवेलेबल हैं रीनल एनर्जी में जाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है तो वो एक तो अपने अपने सिटीजन्स के लाइवलीहुड के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं उनको डेवलपमेंट चाहिए और ऊपर से जो हिस्टोरिकली वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं रहे हैं अगर उनका परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन देखा जाए हिस्टोरिकली तो जहाँ डेवलप कंट्रीज 50 परसेंट या उससे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है ये छोटी छोटी कंट्री जो कि बहुत या डेवलपिंग कंट्री जो है वो जो बहुत नंबर्स में है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा है एक परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट ऐसे तो ये लोग अगर इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे फैक्ट्स जानते हुए भी इवन ऐसी कंट्रीज में आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस है सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ऑस्ट्रेलिया है कनाडा है ये सारी कंट्रीज इनको जबरदस्ती ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग पहली चीज क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल दूसरी अगर क्लाइमेट चेंज साइंटिफिक एविडेंस पे आ रहा है तो जो साइंटिस्ट इसके पीछे हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या फिर तीसरी कि अगर क्लाइमेट क्राइसिस है क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्राइसिस तो मानते ही नहीं है क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो इसके पीछे नेचुरल जो रीजनस uh, हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एंथ्रोपोजेनिक नहीं है ह्यूमन इंड्यूस्ड नहीं है So, Kam, this, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही हिस्टोरिकल को देखने की so, uh, you know, क्लाइमेट चेंज अगर हुआ है तो सडनली नहीं हो गया है वो आ, मतलब उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड रहा है कुछ सालों का हो सकता है कुछ डेकेड्स का हो सकता है कुछ सदियों का हो सकता है तो आपके हिसाब से कब ये परिवर्तन एक्चुअल में शुरू हो गए होंगे और क्योंकि ये मॉडर्न डे फिना नहीं है ये

वो उसके पीछे कारण क्या है कि ये रिवोल्यूशनरी वे में हुआ है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हुआ है पिछले सौ सवा सौ साल पहले से शुरू हुआ है उसके असर दिखने जो शुरू हुए वो जानते जानते 1970 1980 तक हम पहुंच गए थे फिर उसके बाद नेर्स या डिनायर्स आए उन्होंने इन चीज़ों के लिए साइंटिफिक एविडेंस मांगा तो मैं जो आपके मूल प्रश्न पर आता हूँ उस प्रश्न में जो आपने कहा या पूछा उसमें यह था कि हिस्ट्री क्या है इसकी मैं जब हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो वो कंट्रीब्यूशन मैं पिछले सौ या सवा सौ सव साल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस ह्यूमन इंड्यूस्ड रही एंथ्रोपोजेनिक रही हम इस क्लाइमेट क्राइसिस की बात जब भी करते हैं तो एक शब्द जोड़ते हैं एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंड्यूस्ड बाकी जो नेचुरल वे में जो भी क्लाइमेट में चेंज होता रहा वो इतने लंबे समय में होता रहा कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग ये दो तरह की चीजें लाखों साल के पृथ्वी के इतिहास में होता रहा है हुँ. और उसने लगभग पूरी की पूरी सभ्यता को भी खत्म किया है लेकिन वो इतने धीरे धीरे होता रहा हजारों लाखों साल में होता रहा कि और बैलेंसिंग फैक्टर्स भी पृथ्वी में पृथ्वी के ऊपर नेचुरल वे में उपलब्ध थे अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ओजोन तो उसको कहीं ना कहीं उसको नलीफाई करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड था वो इधर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो उधर कूलिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज़ें स्टेबलाइज करती थी हमने कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली इन चीज़ों को रोकने की कोशिश की पूरे नेचुरल प्रोसेस में हमने इन चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की और सारे ह्यूमन बींग उस समय जिन लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है और कहीं ना कहीं हम छोटी मोटी चीज़ों में हम भी कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं जो आगे हम बात करेंगे अभी तो वैसे में हिस्ट्री हिस्ट्री जानना इस तरह से बहुत अच्छा हो सकता है या फिर डिनायर्स के लिए अच्छा हो सकता है कि ये चीज़ें तो हमेशा होती रही हैं लेकिन वो नेचुरली होती रही है वो कभी डिस्टर्ब नहीं करती रही है हमने जितने तरह का ट्रांजिशन देखा है वो बहुत कम समय में देखा है एक जनरेशन भी हम आगे नहीं बढ़ पाते और हम इतने तरह के ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि हम रोज इस चीज को महसूस कर रहे हैं सुबह शाम दिन दोपहर अभी बैठे हैं तभी महसूस कर रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पे सवाल उठता है कि आज के समय में हम इसकी आइडेंटिफिकेशन और मिटिगेशन को लेकर हम क्या सोचते हैं क्या हमारा रवैया है सो हाउ डू यू रियली आइडेंटिफाई कि हाँ ये प्रॉब्लम एरियाज़ हैं और बड़े स्विफ्टली इसको डील करने की ज़रूरत है लेकिन और जब हम बात करें कि डील करने की, की ज़रूरत है तो डील कैसे करना है उनके साथ सो हाउ डू वी यू नो हैंडल दीज थिंग्स इसमें दो तरह की चीज़ें देख सकते हैं एक पॉलिसी के लेवल पे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पर पॉलिसी लेवल पर बहुत सारे काम हो रहे हैं और जब पॉलिसी लेवल पर काम होते हैं तो उसको अल्टीमेटली किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इसके लिए इंडिविजुअल सामने आते हैं या ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुल्स सामने आते हैं जब हम इंडिविजुअल के रूप में सोचते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन क्या हम क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या उसको कहीं ना कहीं उसके असर को मिटिगेट करने के लिए या उसके हिसाब से एडेप्टेबिलिटी या एडेप्टन आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये हमारी अपनी कोशिश इंडिविजुअल लेवल पर हो सकती है जिसके साथ नॉर्मली मैं जुड़ा हुआ हूँ दूसरी कोशिश जो पॉलिसी मेकिंग की तरफ से होती है निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत सारे एविडेंसेज बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जिसके कारण वो पॉलिसी सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद सामने आती है उस लेवल पर कमी कहीं नहीं है चाहे वो नेशनल uh, लेवल पे हो रीजनल लेवल पे हो सोसाइटी लेवल पे हो या फिर इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे हो इंटरनेशनल लेवल पे हो सो यू थिंक आर पॉलिसीज आर साउंड एंड दे आर वेरी मच इन प्लेस यस बट द प्रॉब्लम इज विद द इंप्लीमेंटेशन साइड एंड देयर ऑलवेज दीज थिंग्स आर कमिंग इन द वे बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यू नो प्रेशर ग्रुप्स और चूंकि उनको अभी शॉर्ट टर्म में अपने बेनिफिट्स चाहिए होते हैं इसलिए इस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं कि वी आर रीचिंग टू द टिपिंग पॉइंट टिपिंग पॉइंट किसको बोलते हैं जैसे अभी 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ सी का कोई एक वर्जन था उस समय और ये बहुत बड़ी चीज़ मानी गई क्योंकि प्रोटोकॉल जब नाइनटीन में आया था उस समय हर एक कंट्री के लिए एक टारगेट दिए गए थे कि क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए आप क्या टारगेट अचीव करेंगे वो लीगली बाइंडिंग था बाद में ये निकल के आया कि नहीं आप प्रोएक्टिवली सोचें और इन चीजों को आप अपनी तरफ से एक प्लेज के रूप में दें अपनी तरफ से अपने तरफ से एक कमिटमेंट के रूप में दें जिसको एनडीसी कहा गया तो उसमें कंट्रीज को खुद ही एक एनडीसी देना है कमिटमेंट देना है सी फॉर कमिटमेंट और उसके बाद फिर हर पाँच साल में उसको रिवाइज करना है हर कंट्री को और वो हमेशा पहले से बेहतर या उसके बराबर होगा उससे आप बेकार कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं उससे बदतर कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं तो ये प्रोएक्टिविटी की तरफ जाते हुए जब मैंने चीज़ों को देखा तो मैंने अपनी एक थ्योरी डेवलप की जिसको क्लाइमेट स्ट्रेटजी प्रोएक्टिविटी कहते हैं मुझे लगा कि पूरी दुनिया जो है वो इस बारे में सोच रही है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में टारगेट्स दूसरे के द्वारा तय किए गए टारगेट्स को पूरे करने में ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे ये प्रोएक्टिविटी होनी चाहिए रिएक्टिविटी में कहीं ना कहीं आप उसको कोशिश करते हैं उसको निगेट करने के लिए उससे बचने के लिए जैसे हेलमेट पहनना बड़ा मतलब हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन हेलमेट रूल वाइज हमको पहनाया जाता है तो हम नहीं पहनना चाहते हैं बदले में हम जुर्माना देना चाहते हैं तो उसी तरह से प्रोएक्टिवली आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अपने और अपने लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाए रखने के लिए तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट उस तरह का प्रयास था लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसमें जितने भी कमिटमेंट्स थे क्या कंट्रीज जो है वो सफल हो पाई है उसमें तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कमी है और उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल कमर्शियल रीजन्स हैं सोशल हैं बहुत तरह के रीजन्स हैं उन चीज़ों को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं मैं टिपिंग पॉइंट की बात कर रहा था उसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो चीज़ें सबसे बड़ी निकल के आई उसमें ये कोशिश हुई एक ये प्लेज लिया गया कि प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जो बेसलाइन है अठारह सौ से उन्नीस के बीच के बीच का एक बेसलाइन था टेम्परेचर का एवरेज टेम्परेचर का उस एवरेज टेम्परेचर से 1.5 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो ये कोशिश करनी है और 2 परसेंट से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए तो ये एक बेंच माना गया क्योंकि ये माना गया कि इसके ऊपर और ये जब टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात करते हैं जो आईपीसीसी नॉर्मली 20 साल मान के चलता है तो 20 साल के एवरेज ईयर में टेम्परेचर जो होता है वो प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन जो था टेम्परेचर का उससे वन डिग्री या फिर टू डिग्री जो दो अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए उसको क्रॉस नहीं करे उसको ब्रीच करने का नुकसान क्या है कि देन विल बी रीचिंग द टिपिंग पॉइंट टिपिंग पॉइंट में क्या होगा कि उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो ई रिवर्सिबल होंगे जैसे अभी आप मानते हैं कि बर्फ गर्मी में पिघल गया जाड़े में जम जाएगा लेकिन इ रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर वो पिघल गया तो जमने वाला नहीं है मैं ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ आइस कैप्स की बात कर रहा हूँ तो उसके बाद आप सोचिए कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं सी लेवल राइज हो रहा है एट द सेम टाइम गर्मी बढ़ने के कारण थर्मल एक्सपेंशन भी हो रहा है पानी का समुद्र के पानी का इसके कारण वो कोस्टल एरिया जो है वो अंडर थ्रेट हैं और अंडर थ्रेट जब कोस्टल एरिया होता है तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा चलो वहाँ के ह्यूमन बींग को हम कहीं रीसेटल कर देंगे लेकिन ये इतना आसान विषय नहीं है इतनी आसान बात नहीं है इन चीज़ों को समझेंगे तो उसके साथ इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सामाजिक सांस्कृतिक को अगर छोड़ दें इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं फ्रेश वाटर सोर्सेज जो हैं वहाँ आपके जो साल्ट वाटर है वो घुस रहे हैं आपके पास पीने का पानी कम था उसको भी उन्होंने और गंदा कर दिया इसके अलावा आप मेरीन फिश लाइफ और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब अफेक्टेड हो रही हैं तो एक दूसरे से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड होने के बाद हम इन रिवर्सिबल कंसिक्वेंसेज पर जब पहुंचेंगे हुँ. तो फिर वापसी नहीं होनी है नेचर इतना समय हमको नहीं देने वाला है एंड डॉन्त वॉट आई कैन गैदर फ्रॉम वॉट यू आर इज कि पॉलिसी वाइज हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और अदरवाइज ऑल्सो भी एफर्ट्स इसमें जारी हैं और एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इंडिविजुअल्स को ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या सोसाइटीज़ को आगे आकर इसमें एक शिरकत करने की इसमें हिस्सेदारी लेने की और काम करने की तो वो मुझे लेके जाता है आपके अपने प्रयास की तरफ जो आप कर रहे हैं इस दिशा में तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लस इस तरह के प्रयास इंडिविजुअल लेवल पे हाउ कैन अदर पीपल यू नो स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन सेंस इसमें तो तीन तरह की चीज़ें हैं जो हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जब भी बात करते हैं तो लेटेस्ट आई स्टार्ट विद द इंडिविजुअल ओनली इंडिविजुअल मीन्स मी इंडिवि� और मेरे से ही शुरुआत ये होनी चाहिए और शुरुआत होनी क्या चाहिए शुरुआत कर देनी चाहिए थी मुझे लगता है ऐसा हमेशा कि लोग सारे लोग जो इस पृथ्वी पे हैं अपने तरफ से प्रयास तो कर रहे हैं क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो प्रयास हर एक कोई करता है वो प्रयास या तो वो जान नहीं रहे हैं कि ये उनके उस कंट्रीब्यूशन से जो वो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट क्राइसिस के लिए कर रहे हैं उससे बड़ा है या छोटा है ये वो नहीं जान रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं अपने आप से झूठ बोलना भी बहुत मुश्किल होता है और अपनी सच्चाई को भी आप जानते हैं कि ये सच ही है तो अपने प्रयास को आप सबसे ज्यादा जानते हैं जब इन प्रयासों को आप जानते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे कौन से ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे आप क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ जो बैटल है उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी अच्छी हो जैसे मैं दो तीन छोटे एग्जाम्पल बताता हूँ जो मैं अपने घर पर या हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे मैंने किया फिर घर के लोगों को भी अच्छा लगा वो सब मेरे साथ होते हैं मेरे घर में एयर कंडीशन नहीं है दिल्ली होते हुए भी और दिल्ली में भी साउथ दिल्ली में एयर कंडीशन नहीं हो ये लोगों को आश्चर्य लगता है मुझे लगता है कि आश्चर्य क्यों लगनी चाहिए क्योंकि इसको सोचने इस इसके ऊपर सोचने वाली बात है कि आश्चर्य क्यों लगनी चाहिए आ, हमारा शरीर इस तरह से बना है कि हम नेचुरली इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं लोगों को इसलिए आश्चर्य होता है कि उनको लगता है कि अफोर्डेबिलिटी तो है इनकी मुझे लगता है ये अफोर्डेबिलिटी वाली बात कहाँ से आती है ऐसी चीज़ हम एफर्ट करके क्यों खुश हो सकते हैं जिससे हम अपने लिए आज जो एटमोस्फियर है आज जो क्लाइमेट है उसको और बर्बाद नहीं कर रहे हैं मेरी अपनी सोच ये है या हमारी अपनी सोच हम जैसे जो भी लोग हैं उनकी सोच ये है कि जब कभी भी हम ये छोटे छोटे प्रयास कर रहे होते हैं ये अपने लिए कर रहे होते हैं और जब हम किसी मूवमेंट को देखते हैं कि वो सेव अर्थ जैसे कैंपेन की बात करता है मुझे उस समय इस ढोंग पे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि हम अर्थ को तो सेव नहीं कर रहे हैं अर्थ जैसी भी स्थिति में है ग्लोबल कूलिंग भी झेल चुकी है और ग्लोबल वार्मिंग भी झेल रही है मदर अर्थ भी जब हम बोलते हैं तो शायद माँ से सिर्फ लिया जा सकता है माँ लेने की अपेक्षा नहीं कर सकती करती है तो एक्चुअली so, सेफ हाँ, हम है। हम हैं फिर भी हम जब उस कैंपेन की तरफ जाते हैं तो बोलते हैं सेव अर्थ सेव आवर सेल्स नहीं बोलते हैं इसी से मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि आ, मैं तकरीबन तीन दशक से क्लाइमेट क्राइसिस पे काम कर रहा हूँ एक इंथ्यूजिएस्ट और एक प्रैक्टिसनर के रूप में जाना जाना चाहता भी हूँ और जाना जाता भी हूँ तो उसमें प्रैक्टिसन की वजह बात करता हूँ तो छोटे छोटे प्रैक्टिस की बात के रूप में एक चीज़ मैंने आपको बताया दूसरी मेरे घर में बिजली बिल आ, मुझे लगता है कि साठ सत्तर अस्सी यूनिट इतने आते हैं वो भी मुझे कभी लगता है कि इसको भी कम कर सकते हैं क्या ये भी आश्चर्य वाली बात लग सकती है लेकिन इसमें आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस में कर रहा हूँ और तीसरी वेस्ट के बारे में अगर बात कर लें तो आप अपने घर में भी कभी देखें हो सकता है आपके घर में नहीं या किसी दूसरे के घर में अगर आप सच में देखें तो हर एक के घर में ना सत्तर अस्सी नब्बे परसेंट ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जरूरत उनके जिंदगी में कभी नहीं पड़ने वाली है अफोर्डेबिलिटी वाले शब्द के साथ वो उन चीज़ों को रखते हैं तो वेस्ट क्रिएशन हमने इस तरह से किया है कि हमारी हमे, हमेशा कोशिश होती है ह्यूमन बींग्स की कि वो नेचर बन जाए नेचर जो भी काम कर सकती है वो हम कर लें और हम नेचर या नेचर से भी बड़े हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि इंडिविजुअल ह्यूमन बींग कभी भी नेचर से बाहर नहीं है वो नेचर का ही क्रिएशन है लेकिन हमारी कोशिश जब हम फ्रिज बनाते हैं तो यही सोचते हैं कि जैसे वो पहाड़ पे बना सकते हैं बर्फ़ हम तो घर पे ही बना सकते हैं हमने नेचर से आगे कुछ भी नहीं सोचा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि नेचर ने बनाया था या किसी भी जीव के इंटेलिजेंस को जिसको नेचर ने बनाया था उसको उसी इमिटेट करते कर हैं।, हैं और उसके बाद उससे ही बड़ा हो जाना चाहते हैं ये भूलते हुए कि आर्टिफिशियल देर इज नथिंग आर्टिफिशियल इन दिस वर्ल्ड जो भी की चीज़ हो रही है हम अप्राकृतिक बोल के कैटेगराइजेशन करते हैं वास्तव में प्रकृति के अंदर हो रही है वो नेचुरल है ये अलग बात है कि वो हमारे माध्यम से हो रही है लेकिन क्या पेड़ पौधों के माध्यम से जो चीज़ें हो रही है वो आर्टिफिशियल है वो भी तो नेचुरल है तो फिर ह्यूमन बींग भी तो जो भी कर रहा है वो नेचुरल है हमने उसको उस जो ट्रांजिशन फेज है उसकी गति को थोड़ा बढ़ा दिया और उसको भुगत भी हम ही रहे हैं लेकिन हो रहा है ये विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेचर सो बेसिकली वी नीड टू रिस्पेक्ट नेचर एंड नॉट ओनली रिस्पेक्ट नेचर ट्राई टू लिव विद द नेचर देन यू नो ट्राइंग टू गेट अहेड ऑफ इट और ट्राइंग टू इन्वेंट थिंग्स विच वी थिंक आर क्लोज टू नेचर बट दे आर नॉट एक्चुअली ये सर एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम आ, समझते हुए नहीं समझना चाहते हैं जैसे कि सस्टेबल डेवलपमेंट की बात अगर करें तो सस्टेबल डेवलपमेंट के पूरे डिफिनेशन में कि पिछले जनरेशन से जो भी रिसोर्स आपको मिला आप पूरी यूटिलिटी के साथ उसको अगले जनरेशन में उसी क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ सौंपेंगे कि वो अपने सारे यूटिलिटी को पूरा करें और फिर अगले जनरेशन को दें ये इतनी छोटी चीज़ है जो हर एक सभ्यता और संस्कृति में हजारों लाखों साल से सिखाई जाती रही है लोग पालन करते रहे फिर भी हमको ब्रंटलेट कमीशन की ज़रूरत पड़ती है नाइनटीन 1990, एटीज में और वो यही डिफिनेशन के साथ बाहर आते हैं क्योंकि इससे बेहतर डिफिनेशन हो ही नहीं सकता है तो आ, मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझना इतना मुश्किल तो नहीं था लेकिन फिर डेवलपमेंट शुरू में बड़ा अच्छा लगा फिर बाद में ये लगा कि विकास की पहली सीढ़ी विनाश की पहली सीढ़ी थी जब ऐसा लगने लगा तो इस चीज़ के लिए भी नेर्स या डिनायर्स आए सामने फिर उनको समझाने के लिए डेवलपमेंट से भी चीर होने लगे क्योंकि डेवलपमेंट जिन चीज़ों का आभास करा रहा था कि हम समस्या के साथ समाधान ला रहे हैं जो भी समस्या होगी वो समाधान होगी हर समस्या के समाधान के साथ उसने दस नई समस्याएँ क्रिएट की और बाद में हर समस्या जो भी क्रिएट हुई उसको फिर से उसने बताया कि मैं समाधान दे सकता हूँ और फिर हर दस समस्याओं के समाधानों के साथ जो समस्याएं बनी उनके साथ सौ समस्याएं बनी समाधान भी आए फिर हज़ार समस्याएं बनी आज हम समस्याओं से घिरे हुए हैं बेसिकली वो समस्याओं का साइकिल जो हमने क्रिएट कर दिया है उससे हम बाहर निकलने की बजाय उस सर्कल को हम बढ़ाते जा रहे हैं बिल्कुल तो यहाँ पर आके मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर निखिल आपका जो प्रयास है विश्व निशाने पर है जी थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए ताकि लोग इंस्पायर हो सकें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर सकें Uh, जैसे एक तो मैं वेस्ट क्रिएशन की जो बात कर रहा था तो उसमें मैंने जब बताया आपको कि सत्तर अस्सी नब्बे परसेंट घर में सबके वैसे सामान हैं जिनकी ज़रूरत उनको नहीं है तो ये वेस्ट क्रिएशन करने का अधिकार भी हमारा ही रहा और ड्यूटी और राइट्स दोनों हमारे ही रहे नेचर कभी भी वेस्ट क्रिएसन नहीं करता है तो नेचर से हमने दो तीन शब्द जुड़ाए जैसे कि इकोनॉमी uh, में सर्कुलर हमने जोड़ा क्योंकि नेचर इज़ द ओनली थिंग दैट वर्कस इन सर्कुलर वे जिससे जो बना है उसी में जाके वापस होगा उसी तरह से हमने सोचा चलो इकोनॉमी में इकोनॉमी के थ्रू ही हम वेस्ट क्रिएशन कर रहे हैं तो इसमें एक सर्कुलर वर्ल्ड जोड़े फैंसी वर्ल्ड जोड़ते इसमें तो बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई क्योंकि इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण एक्टिविटी बहुत सारी जो परेशानी हमारे इर्द गिर्द आ रही थी उसको थोड़ा सा फैंसी बना दे फिर हमारा इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा इसी तरह से डेवलपमेंट से जब हम हमें चीड होने लगी कि डेवलपमेंट के कारण बहुत सारी परेशानी हम झेल रहे हैं और जो समस्या के समाधान के रूप में सारी चीज़ें आई वो वास्तव में आज हम सोचते तो समस्या थी ही नहीं क्योंकि नेचर ने हमको समस्या के साथ साथ समाधान सब कुछ नेचुरल वे में दिया था तो वैसी परिस्थिति में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का जो टर्म जो आया तो मुझे हमेशा लगता है कि डेवलपमेंट कैन नेवर बी सस्टेनेबल बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द वेरी पेस ऑफ द नेचर और द ओनली वे डेवलपमेंट हैपेंस दैट कैन बी डन बाई नेचर ओनली जैसे कि इकोनॉमी भले ही सर्कुलर आप कर ले उसमें वेस्ट क्रिएशन होता ही है नेचर कभी भी वेस्ट क्रिएशन नहीं करती है और उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ नेचर कर सकती है और वो इवोल्यूशनरी वे में बहुत साल में होता है हम भी उसी हिसाब से तैयार होते चले जाते हैं अडेप्ट करते हुए विश्व निशाने पर है जो मेरा मुहिम है और मैंने उस पर एक पूरी काव्य श्रृंखला लिखी हुई है जिसमें पचास से ज़्यादा कविताएँ हैं और हर एक कविता में एक शब्द के रूप में विश्व निशाने पर जरूर आता है तो ये जब मैंने शुरुआत करी तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि लोग इन चीजों को सस्टेबल डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को ही बड़े अच्छे से जानते थे फिर भी 700-800 पेज की एक ब्रंटलेट कमीशन की रिपोर्ट लाने की जरूरत पड़ी चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ बस हमारे पास एक डिफिनेशन याद करने के लिए रह गया तो दो तीन चीजें थी मेरे दिमाग में कि एक तो जब हम सेव अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जो चीज़ें उल्टी बोली जाए वो ज्यादा समझ में आती है तो मुझे लगा कि निशाने पर तो हम हैं लेकिन जब तक मैं ये बोलूँगा हम निशाने पर हैं लोग समझेंगे ये निशाने पर बेचारा होगा रहने दो इसको तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस अवेयरनेस कैंपेन में विश्व निशाने पर है इस कैंपेन के साथ मैं आगे आया मेरी पहली कविता जो लिखी गई उसके पीछे उद्देश्य यह था कि पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लाइमेट क्राइसिस का जो है वो उसमें आ जाए और ऐसे शब्दों में आ जाए जो आम जन जो पढ़ा लिखा नहीं भी हो या आ, किसी दूसरे परेशानी को झेल रहा हो वो भी सुन ले समझ ले और उसके बाद उसको ये सारी चीज़ें समझ में इसलिए जल्दी आ जाएगी क्योंकि वो सब कुछ जानता है मैं सिर्फ उसको अपने बताने के माध्यम अलग माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ एक थोड़ी बहुत जागरण की कोशिश कर सकता हूँ तो ये शुरुआत में सोचने का पैटर्न था ढंग था और इस तरह से ये इमरजेंस हुआ और अगर आप कहें तो मैं वो पहली कविता आपके वर्ड्स uh, you know, exactly जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है सागर में ही सारी धरा समाने पर है कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है पानी मिट्टी वायु जंगल और पहाड़े हम दोहन करते संसाधन नहीं हमारे पाया पूर्वज से बच्चों को देने सारे छीन उन्हीं के हक कैसे हम उन्हें दुलारें आने वाले कल को आज हराने पर है बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है हमने उनके घर में घुसकर उनको लूटा मारा पीटा नो चा खींचा ठों का कूटा छीना झपटी में जो टूटा उनका टूटा कहीं तो जाएंगे उनका घर बार है छूटा तभी हमारा घर उनसे लुट जाने पर है बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है जो सूरज सदियों से आता हमें जगाने किरणें तीखी आने वाली हमें सुलाने रहे बजाते गर डफली से राग पुराने स्वयं धरा अस्तित्व सुरक्षित रखना जाने धरती बच जाएगी हम ही जाने पर है बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है सागर में ही सारी धरा समाने पर है कर्म किए जाने थे महज़ दिखाने भर है बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है तो ये कविता थी मेरी पहली कविता जी बहुत बहुत खूबसूरत सबसे पहले मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए दिस इज वेरी वंडरफुली रिटन एंड इट रियली ब्रिंग्स आउट दी एसेंस ऑफ यू नो इट कैन गो रॉन्ग जी सो मेनी कंग्रेचुलेशन इट्स पीस ऑफ पोएट्री थैंक यू वेरी मच सो डॉक्टर निखिल टूवर्ड्स द एंड एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि इतना सब कुछ अब हो रहा है प्रयास भी किए जा रहे हैं आपके जैसे इंडिविजुअल देर ऑल्सो यू नो ट्राइंग टू गेट इन टू दिस यू नो सेवियर मोड एंड ट्राई टू डू देयर बेट सो वॉट डू सी इन द फ्यूचर लाइक वेयर डू बी स्टैंड टूडे एंड इन द फ्यूचर डू सी एनी होप और डी यू सी कि इन द कमिंग फ्यू मे बी ईयर्स और डेकेज और सम पीरियड ऑफ टाइम वी विल भी एबल टू फाइट इट आउट एंड ब्रिंग अ क्लाइमेट बैक टू नॉर्मल And do justice to whatever we are doing around us. Yes, when I was coming. I was happy that you have invited me to speak on this particular thing. I was disappointed with the way things are happening, but I am very much hopeful that together we can, together we will be able to fight. I know effectively against the, in the battle of the climate crisis. And uh, what I have been practicing, everyone is practicing. I must admire. But at the same time, there is a need that I have been emphasizing upon that we need to discuss the small, small practices that we are doing. Because other people will also be opening up, and they would be discussing the same thing with others, and that would uh, all these actions would be coming out as the best practices that everyone can do. Because if I am doing, you will simply think that this is very much doable. If Nikhil Khan can do, I can also do, and whatever Vikasji is doing, then if he shares it with me or some other person, if people would think that okay, Vikasji is doing something that I have not been able to do, but this is very much doable because Vikasji is doing in the routine life. So this is what uh, I have been emphasizing upon. इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि सेव अर्थ नहीं सेवा और सेल्फ जैसे कैंपेन ही मान के चले आप नाम जो भी देते हो और वेस्ट क्रिएशन मतलब हम उसके लिए बहुत हद हाँ तक रिस्पॉन्सिबल हैं फिर आपके पास वो पाँच उपाय जो फाइव आर्स कहे जाते हैं उसमें तीन पे मैंने देखा कि इंफेसिस दी जाती है रिड्यूस पे रीज पे और रिसाइकल री पे रीपर्पस और रिफ्यूज पे बहुत ही कम इन्फेसिस की जाती है मैं सबसे पहला स्टेप मानता हूँ रिफ्यूज को और चूंकि ये अफर्डेबिलिटी से जुड़ी हुई है लोग इसको अलग कर देते हैं रिफ्यूज को फाइव आर्स में लाते ही नहीं है तो रिफ्यूज सबसे पहले होनी चाहिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मैं रिफ्यूज़ करता हूँ वहाँ से आप वेस्ट क्रिएशन में कम से कम अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करना बंद कर देंगे और आप आ, मजा लीजिए इस चीज़ का कि जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तो उस समय कितना मज़ा आता है कितना इन्जॉयमेंट होता है वो हम रोज़ महसूस करते हैं जब हमारे घर में गर्मी के दिनों में पसीना निकल के आता है लोग ए में उस पसीने को नहीं निकलने देना चाहते हैं पसीने की खुशबू होती है बदबू नहीं होती है जब तक कि वो नेचुरली आ रहा हो सो थैंक यू सो मच वन एंड ऑल एंड नॉट ओनली दैट जो काम आप इस एरिया में कर रहे हैं जो एफर्ट्स आप पुट uh, अप कर रहे हैं इस एरिया में आई थिंक आई एम श्योर पीपल विल गेट इंस्पायर्ड बाई दैट सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टू ऑडियंस थैंक वेलकम Individuals, communities, businesses, and governments all have a role to play in tackling climate crisis. Whether it's reducing personal carbon footprints, supporting environmentally conscious businesses, advocating for policy changes, or investing in clean energy initiatives, collective effort is essential in confronting the global challenge. We need to wake up and act before it's too late.